प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में पत्रकारों के साथ करेंगे मुलाकात। मोदी ने आज सुबह 11 बजे बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों को बुलाया है। पीएम बनने के बाद पत्रकारों को पहली बार मोदी का न्योता। संपादकों और मुख्य संपादकों को भी भेजा बुलावा। पत्रकारों के साथ चाय पिएंगे मोदी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर होंगे सवाल जवाब। दिल्ली में 9 अशोक रोड पर मोदी की दावत। पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री का दिवाली मिलन। प्रधानमंत्री बनने के बाद पत्रकारों के साथ मोदी की ये होगी पहली औपचारिक मुलाकात। आज शाम 5 बजे मुंबई में होंगे प्रधानमंत्री। रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। संरचन अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को भी भेजा गया है न्योता। उद्धव के कार्यक्रम में पहुंचने पर संशय बरकरार। पीएम नरेंद्र मोदी की टी पार्टी में नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे। पीटीआई सूत्रों की खबर। मोदी ने उद्धव को भेजा था टी पार्टी का न्योता। 26 अक्टूबर को मोदी के सभी को टी पार्टी पर बुलाया है। 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे दिल्ली में होगी पीएम की टी पार्टी। उद्धव ने अपने सभी सांसदों से कहा कि टी पार्टी में रहे मौजूद। अकाली दल को भी पीएम की टी पार्टी का न्योता। 2 घंटे चलेगी टी पार्टी। पीएम की टी पार्टी में एनडीए के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता पार्टी में शिरकत करेंगे। सोमवार को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक। लेकिन सीएम और सरकार में साथी दल पर सस्पेंस बरकरार। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महाराष्ट्र के सीएम की शपथ की भव्य तैयारी। मैदान के कर्मचारियों के मुताबिक 30 अक्टूबर तक हो सकता है समारोह। दिवाली के खुमार उतरने के बाद फिर तेज हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सियासी हलचल। सीएम के मजबूत दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने बीती रात संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी। नागपुर में आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी भागवत से मिलेंगे। गडकरी खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी से कर रहे हैं इनकार। लेकिन उन्हें भी बताया जा रहा है तगड़ा दावेदार। श्रीनगर में आपदा पीड़ितों संग वक्त बिताने के बाद अब छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी आदिवासियों संग बिताएंगे वक्त। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा का करेंगे दौरा। 5 घंटे आदिवासियों के साथ रहकर जानेंगे दुख दर्द। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर बस्तर में अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं जवान। केजरीवाल ने बीजेपी के सूत्र का दिया हवाला। कहा फर्जी वोट बनवाने के लिए दिए जा रहे हैं 1500 रुपए जबकि एक वोट कटवाने का रेट 200 रुपए। सोमवार को चुनाव आयोग से केजरीवाल करेंगे शिकायत। लगातार सीज फायर उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान ने चली चाल। भारत पर मढ़ा सीज फायर उल्लंघन का आरोप। गृहमंत्री ने पाकिस्तान को दिया जवाब। राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा हमने महज जवाब दिया कभी नहीं की फायरिंग की शुरुआत। जानी मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर के क्लिक निक्सन स्टूडियो में आग। गोदाम का हिस्सा जलकर हुआ खाक। स्टूडियो में है एकता कपूर की करीब 10 स्टूडियो। यह है मोहब्बतें का सेट भी था सजा। रात 8:30 बजे लगी आग। फायर ब्रिगेड की 8 से 9 गाड़ियों को 4 घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। दिवाली की वजह से खाली था स्टूडियो। किसी के झुलसने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों का पता नहीं। स्टूडियो के पास फोड़े गए पटाखों से आग पकड़ने का शक। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुंबई से कोची जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों पर जारी किया अलर्ट। मुंबई अहमदाबाद कोची एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एनआईए के मुताबिक कोलकाता एयरपोर्ट को परसों मिली थी धमकी भरी कॉल। एनआईए के मुताबिक एयर इंडिया के विमान से बम के साथ सफर करने की दी गई थी धमकी। सूचना के बाद 10 अधिकारियों के दल ने की गहन सुरक्षा जांच। डॉग स्क्वाड के साथ एयरपोर्ट और वाहनों की
गई जांच, 4 से 5 दिनों तक जारी रहेगी जांच। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में पुलिस पर बम से हमला, परुई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रसेनजीत दत्ता और एक एएसआई गंभीर रूप से घायल। घायल थाना अध्यक्ष और एएसआई सूरी जिले के अस्पताल में भर्ती, देसी बमों की सूचना पर छापेमारी के दौरान हुई वारदात। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, बालाकोट सेक्टर में रात 8:30 बजे से हो रही है फायरिंग। जम्मू के पुंछ में है बालाकोट सेक्टर, पाकिस्तान की ओर से लगातार दागे जा रहे हैं मोर्टार, भारतीय सेना भी दे रही है माकूल जवाब। दिवाली के दिन भी पाक ने किया था दुस्साहस, लगातार दूसरे दिन फायरिंग जारी, अब तक सीमा पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सरहद पर सीज फायर उल्लंघन के बीच पाकिस्तान ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजी दीपावली की मिठाई। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित और उनकी पत्नी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी मिठाई भेजी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या, इलाके के प्रधान रामदास पर साथियों के साथ मिलकर कत्ल का आरोप, आरोपी प्रधान फरार। वारदात के पीछे सियासी रंजिश का शक, घटना के बाद गांव वालों ने कई दुकानों को फूंका, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। पुणे पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील गिरोह के 2 शार्पशूटरों को धर दबोचा, दोनों पर बीजेपी नेता लहू माला शेलार की हत्या की सुपारी लेने का आरोप। दिल्ली से अगवा हेड कांस्टेबल का बेटा किडनैपर, उसके चंगुल से छूटा, पुलिस टीम ने छापा मारकर पलवल से 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। किडनैपर्स ने मांगी थी 3 करोड़ रुपए की फिरौती, मंदिर से लौटते वक्त किडनैप हुआ था प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला प्रदीप। अमृतसर में निहंग सिखों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, 4 लोग घायल, खुलेआम हुआ हथियारों का प्रदर्शन। गोवर्धन पूजा के दौरान हाला मोहल्ला नाम की होती है प्रथा, शहर में जुलूस निकालते हैं सिखों के गुट। सालाना जलसे के दौरान निहंग से जुड़े 2 गुटों ने खुलेआम किया हथियारों का प्रदर्शन। यूपी के बाराबंकी जिले में रामसनेही घाट पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 1 शख्स की मौके पर मौत, 1 घायल कार की छत पर गिरा, ड्राइवर 4 किलोमीटर तक भागता रहा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में तेज रफ्तार गाड़ी लोगों को बचाने के चक्कर में पलटी, ड्राइवर की मौत, 2 जख्मी।